नमस्ते एंड वेलकम टू campuswire.com। आई एम साक्षी जैन और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर के इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। जैन यूनिवर्सिटी इज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन 1919। टॉकिंग अबाउट एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग, इट इज एक्रेडिटेड बाय नेक विद ग्रेड ए, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। जैन यूनिवर्सिटी इज द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन AUAP एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU एंड इट रैंक 157 बाय NIRF इन 2021। Moving on to courses and fee structure, you offer Katai BE BTech in 19 streams like Computer Science and Engineering, Aerospace, Civil, etc. and M.Tech in 14 streams like Computer Science and Engineering, Civil, Mechanical, etc. BTech ki fees hai 1.97 lakh rupees per year aur M.Tech ki fees hai approximately 1.02 lakh rupees per year. Now let's talk about admission process and eligibility. For BTech, student should pass class 12th in PCM with 45% aggregate और ये accept करता है GET JET का score जो कि university का खुद का examination है। For M.Tech, a bachelor's degree is required in BE/BTech with minimum 55% aggregate, 45% in case of SC/ST candidate or category 1 candidate from a recognized university और इसमें भी ये JET का ही scores accept करते हैं। Placement की बात करें तो highest package है around 30 lakh per annum का और एवरेज पैकेज है अराउंड 4.6 लाख पर एनम का। मेजर रिक्रूटर्स हैं कोको कोला, HP, Amazon, एक्सेट्रा। बात की जाए अगर लोकेशन की तो इट इज लोकेटेड इन बैंगलोर। इट इज 9.9 किलोमीटर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड 42.7 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट। आप लोग यहाँ पे कैब्स, टैक्सीज, ऑटोज के थ्रू पहुंच सकते हैं। Now let's discuss about infrastructure and facilities. तो कॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है लाइब्रेरी, वैल्यू क्यूब लैब्स, वाईफाई कैंपस, AC क्लासरूम, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेमिनार हॉल, मेडिकल फैसिलिटीज। जिन बच्चों को म्यूजिक और डांस में इंटरेस्ट है उनके लिए म्यूजिक और डांस रूम्स भी हैं। होस्टल फैसिलिटीज एंड बस फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। तो ओवरऑल जैन यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है इंजीनियरिंग के लिए। ये काफी जानी मानी यूनिवर्सिटी है और यहाँ का ROI भी काफी अच्छा है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जैन यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में नए कॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।